तो भाई का कमेंट आया है कि क्या हल है, 2022 वालों की पेमेंट हो गई है और बायोमेट्रिक्स नहीं आ रहे। तो जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी थी। असल में हुआ ये था कि जो पहले ईमेल्स का इशू था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उनकी पेमेंट्स जो हैं वो डिले हो गई और उन्होंने वो लेट पेमेंट्स की, जिसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर तक दे दी, उसके बाद के जो लोग थे उन्होंने उनको पेंडिंग में डाल दिया। लेकिन अब जैसा कि हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, बड़ा सेंटर लिस्बन में स्पेशल सर्विस सेंटर जो है वो खोल दिया गया है और इसको एक्स्ट्रा टाइम भी लगाया जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा अलग अलग सिस्टम करके एक बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है और केसेस को तेज़ी से रिजॉल्व किया जाएगा। तो बहुत ही जल्द उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों को अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं आई वो भी आ जाएंगी। तो आप लोग परेशान ना हों, और उम्मीद है इनका जो प्लान था गवर्नमेंट का वो यही है कि इस साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर ये 4 लाख पेंडिंग केसेस को उन्होंने रिजॉल्व करना है। तो उसके अंदर आप भी हैं और आपने तो ऑलरेडी पेमेंट की हुई है, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है उम्मीद है कि प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली आने वाले चंद दिनों के अंदर ही हमें सूरत हाल पता लगेगी, पर मेरे मुताबिक बहुत ही जल्द आप लोगों को भी अपॉइंटमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा दिन वेट करें और अपडेट्स चेक करते रहें। इसके अलावा जैसे ही अगर आपको कोई अपडेट आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते रहें।